हमारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं और उमरा मुबारक भाई आप दोनों को बहुत बहुत। सोनी सोनी YouTube फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, आप लोगों के सामने हैं और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हंसता बसता खुश और आबाद रखे, आमीन। और हम लोग हो गए रेडी शेडी, क्या बोलती हो? और हम लोग हो गए हैं रेडी शेडी जी। 137 हो रहे हैं और बाहर जो है ना कड़क धूप है और दोपहर में हम रेडी शेडी होके निकल गए। और रेडी शेडी होके कहाँ निकले हम और आदिल साहब आए हैं फैक्ट्री को छोड़कर जान छुड़वा के, क्योंकि काम इनका बहुत ज्यादा था और जाना भी हमें बहुत जरूरी था। हम जा रहे हैं अपने गेस्ट को रिसीव करने हरम से मक्का से। वो पहुंच जाएंगे कितने बजे? पहुंच जाएंगे और हमारी जर्नी जो है अराउंड 45 मिनट्स की है। तो अच्छा 45 मिनट्स में हम मक्का पहुंचेंगे, वहाँ से हम अपने गेस्ट को रिसीव करेंगे। पार्किंग में हमारा वेट करेंगे। यस, और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि हमारे गेस्ट कौन है, ठीक है? वो हम लोग जो है ना वापसी में जब उनको रिसीव कर लेंगे अपने गेस्ट को, तो वो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगी। अभी तो सफर लंबा है तो व्लॉग लंबा नहीं करूंगी, तो शॉर्ट में आप लोगों से सब कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगी। और बस फिर मिलते हैं कुछ देर में, तब तक के लिए चलो ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद चुने जी, हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और इनकी मम्मा और इनके पापा गए हैं उमरा करने। और ये गुल है हमारे पास। मोहम्मद बोल रही हूँ मैं गुल को। गुल 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 अच्छा बच्चा है हाँ? गुल अच्छा बच्चा है। ये गुल साहब खुश हो रहे हैं क्योंकि ये पहले भी मुझसे मिल चुके हैं, मुझे पहचान लिया गुल साहब ने। गुल ऐसे ऐसे हैप्पी। और मैं इन दोनों छोटे से बच्चों को लेके बैठी हूँ पीछे गाड़ी में, मैं आगे से पीछे आ गई हैं ताकि ये दोनों मुझसे हैंडल हो सके हैं। गुल हाँ हो गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मोहम्मद मोहम्मद और ये जैनब इनाया पीछे है और आयशा मेरी गई हुई है आगे, मम्मा की जगह पे बैठी है। हैं मोहम्मद आपका फ्रेंड है दोस्त 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 ये दोस्त है हुँ? इनके जो मम्मा पापा हैं वो तसल्ली से इबादत नमाज अपना उमरा करके आ जाएंगे इंशाल्लाह घर पे सीधा और हमारे पास ही स्टे करेंगे। और गुल साहब को लेके जा रही हूँ मैं घर, अब इंशाल्लाह घर पे ही मुलाकात होगी। गुल दुल नहीं दुल नहीं गुल Thank you.
गुगल साहब, गुगल इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कैसे हो? वेयर इज योर मम्मा पापा? हैप्पी हो गए? ओके बाय, सी यू। गुल हो गए रिलैक्स, गुल हो गए फ्रेश, गुल गुल को कर दिए फ्रेश, ये कपड़े भी चेंज हो गए और मोहम्मद के अभी हाथ मुंह धुला दिए और जो है बच्चे इतने हैप्पी हैं कि बस बच्चे हो गए हैं यहाँ पे सेट आराम से बैठे हुए और मैं कर रही हूँ अभी खाने की तैयारी। तो बस ये यहाँ पे आराम से अपने कार्टून देखेंगे। मैं यहाँ बना रही हूँ बिरयानी और यहाँ बन रहा है कोरमा। तो डाइट जो है ना हमारी हो गई है अभी 2-3 दिन के लिए स्टॉप, फिर उसके बाद मैं और अदिल कंटिन्यू करेंगे। अब दावत है, मेहमान है, तो मेहमान जो है ना ज़रूरी हैं, डाइट फिर स्टार्ट हो सकती है। तो बस यही खाया जाएगा। ये गुल जो है ना बड़े हैप्पी हो रहे हैं फैन को देख देख के, ऊपर फैन को देख देख के आवाज़ें भी लगा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, माशाल्लाह हैप्पी हो रहे हैं कि फैन। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अल्लाह, ऐसे ऐसे होता है, हैं? ओ हो, ओ हो, ओ हो। मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद मोहम्मद कहाँ है? गुल मोहम्मद कहाँ है? हैं मोहम्मद कहाँ है? पूरे रूम को बड़े गौर गौर से देख रहे हैं कि ये हमारा घर नहीं है। अच्छा हाँ, मोहम्मद कहाँ, आपका दोस्त कहाँ है? कहाँ जाना है? इसको पंखे को छूना है भाई, पंखे को छूना है, पंखे से बातें हो रही हैं, हैं? हाँ रिलैक्स हो गए, गाड़ी में थोड़ा ये सुस्त बैठे हुए थे, अब घर आके खुश हो गए, खुला उनको मिल गया है माहौल। अच्छा
दिनों से लैंप पड़ा हुआ था, और ये हैं मेरे जो मैं लेकर आई थी मार्केट से। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किसी भी व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगी ये कवर चेयर्स के। ये आइकिया से काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, दिल साहब को आज याद आया। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर, बस ऊपर नहीं, आप मिडल देखो, मिडल। हाँ, टेबल का मिडल होना चाहिए ना, टेबल का मिडल होना चाहिए। हाँ, अब ऊपर करें, मैं देखूं टेबल का नहीं, थोड़ा सा इधर होगा। हुई ड्रिल की है, हो गया। पुदीना तोड़ के दे रही है मुझे आयशा, जल्दी जल्दी। और ये इधर मेरे साथ बैठे हुए हैं। हाँ, लैंप भी लग चुका है। कोरमा भी रेडी हो चुका है, सैलेड भी रेडी हो चुका है, और स्वीट पास्ता मैंने बनाया वो भी रेडी हो चुका है। बिरयानी दम पे है। गुल की मम्मा की भी कॉल आई है कि मगरिब पढ़ के हम फौरन निकल जाएंगे, हमारा उम्रा खैर से हो चुका है और हम भी रेडी हो गए हैं उनका वेलकम करने के लिए। और मेरे बच्चे ये बैठे हुए हैं, कार्टून देख रहे हैं, और गुल साहब सो चुके हैं सुकून से, ये सो रहे हैं। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर तकिया डाल दिया है ताकि डरे ना, कंबल भी डाल दिया है, एसी चला हुआ है, थोड़ा रूम ठंडा है तो इस वजह से सुकून से सो रहे हैं। तो बस मोहम्मद साहब भी सो गए, और अभी इशा हुई है, अभी तक गेस्ट नहीं आए हैं, तो छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सो गए। ये मैंने लाइटें यहाँ लगा दी हैं, मेरे पास पड़ी हुई थी काफ़ी लाइटें, ये यहाँ लगा दी हैं। और अदील साहब जो है ना, कह रहे हैं कि आपकी लाइट से मेरी जो टीवी के पीछे वाली लाइटें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, तो ये अच्छी लग रही है, ये वाली अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे सोफे पर्पल हैं और दीवार पे शेड पर्पल आ रहा है, ऊपर लाइटें भी अच्छी लग रही हैं। और मेरी जो डाइनिंग टेबल की लैंप है माशाल्लाह, वो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। मैंने सारी घर की लाइटें बंद कर दी हैं, तो वो सिर्फ उसी की लाइट ही जल रही है माशाल्लाह। जी थैंक यू, अल्लाह ताला आपके रिज़क में खैर व बरकत दे। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि मेरी डाइनिंग टेबल की जो लैंप है वो किस तरह आप लोगों को लग रही है, कैसी लग रही है। बैठे हुए हैं रेडी होके, मेहमानों का वेट कर रहे हैं। दो छोटे बच्चे जैसे कि मैंने दिखाया है सो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी रेस्ट कर रही हूँ, सुकून से बैठी हुई हूँ आराम से। जी गुल के मम्मा पापा आ गए हैं, खैर से पहुँच गए हैं, और अदील साहब गए हैं लिफ्ट से उनको रिसीव करने। ये हमारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं, और उम्रा मुबारक भाई आप दोनों को बहुत बहुत, ने बताया है। और हमने खाना शुरू कर दिया है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, हमने भी नहीं खाया था। खाने में ये रेशन सलाद बनाई है, ये सलाद है, और ये कोरमा बनाया है, चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी, जो कि चलो जी बिस्मिल्लाह। भाई खा रहे हैं सबसे पहले बिरयानी, मुझे पता चल गया कि भाई को बिरयानी अच्छी लगी थी मेरे हाथ की, और अभी भी वो पहले उन्होंने बिरयानी ही ली है। बिरयानी तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम आपने बिरयानी बनाई थी, वो आपके जाने के बाद भी हम लोग खाते रहे ना दो तीन दिन। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह कोई नहीं। लेकिन आज सबसे अच्छी चीज ये थी जो ये लोग आए हमें मक्का में और आके हमसे गुल लेके चले गए, बस उसके बाद हमारी लाइफ में बड़ा सुकून आया मुझे दो तीन घंटे। बस कोई बात नहीं, ये बच्चे का नसीब था,
बच्चे का नसीब मेरे पास लिखा हुआ था, उसका एक दिन मेरे पास रुकना लिखा हुआ था, और मेरा जाना लिखा हुआ था, और मैं पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जब हम लोग वापस आए, यू कह रहे कि 6 घंटे के बाद हम लोग जब वापस आए गुरु के पास, तो उसने ये भी नहीं कहा कि यार मेरे चले जी अब बस हम खाना पेट पूजा करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे।